आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। कोरोना वायरस के इस भयानक दौर में जबलपुर में जिंदगी के दो रंग देखने को मिले हैं। सिर्फ एक ही दिन में सुबह और शाम में ही जिंदगी के दो रूप नजर आए। सुबह एक ओर जहां विवाह के मंत्र गूंजे तो वहीं अंधेरा घिरते ही एम्बुलेंस के सायरन से शहर की गलियां गूंज उठी और एक कोरोना संक्रमित मरीज को ले जाती हुई एम्बुलेंस दिखाई दी। जिसे देखकर शहर के लोग एक बार फिर दहशत ज़दा हो गए। तो आइए इस खबर के जरिए हम आपको दिखाते हैं जिंदगी की वो दो रंग। दरअसल कोरोना वायरस के चलते देश में इस समय संकट की घड़ी में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों पर रोक है, खास तौर पर शादी विवाह पर। लेकिन जब इंसान अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहा है तब एक युवक को विवाह रचाना पड़ा। दरअसल गंगानगर क्षेत्र में रहने वाले युवक अंशुल मिश्रा का विवाह मई माह में होना तय था, लेकिन अचानक उनकी माता जी का स्वास्थ्य बेहद ही खराब हो गया। उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए अंशुल के परिजनों ने जिला प्रशासन से विशेष अनुमति लेकर घर के नजदीक स्थित मंदिर के आंगन में महज 5 लोगों की उपस्थिति में अंशुल और आकांक्षा का विवाह संपन्न करा दिया। सुबह के वक्त महज 1.5 घंटे में विवाह की रस्में सैनिटाइजर से धुले हाथों से पूरी कर ली गई और खुशियों से भरे माहौल में दुल्हन की विदाई भी हो गई। कर्फ्यू के हालात में विवाह होने की खबर पूरे शहर में सभी की जुबान पर इस विवाह की चर्चा थी और नवविवाहित जोड़े का घर बसने की खुशी भी थी। लेकिन शाम ढलते ही कोरोना ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक व्यक्ति को अपने चंगुल में ले लिया। खबर ये आई कि सराफा बाजार में रहने वाले एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। सुबह की खुशी रात के अंधेरे में दुख और निराशा में तब्दील हो गई थी। इस खबर ने लोगों की खुशी छीन ली। सराफा बाजार में रहने वाले व्यक्ति की पहचान कोरोना संक्रमित मरीज के तौर पर हुई, जिससे सराफा क्षेत्र में एक बार फिर खौफ और गहरा गया। सराफा बाजार में अभी तक 8 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पूरा क्षेत्र प्रतिबंधित है, ऐसे में रात के सन्नाटे को चीरती हुई एम्बुलेंस के सायरन की आवाज ने सुबह गूंजे शादी के मंत्रों की मधुर आवाज को दबा कर रख दिया। सुबह विवाह होने की खबर पाकर शहर उत्साहित था, तो शाम ढलते ही एम्बुलेंस में कोरोना संक्रमित मरीज को बैठते हुए देख कर लोगों का दिल भर आया। दुख भरी इस खबर ने शहर को एक बार फिर दहशत में के साए में लाकर खड़ा कर दिया है और एक ही दिन में कोरोना ने जिंदगी के दो रंग दिखा दिए।